हेलो स्टूडेंट्स एडुकेशन हब यूट्यूब चेनेल सकलोके स्वागतम जनाइछो। आज आमी नवम मान श्रेणीर समाज विज्ञान पाठ्यपुथिखनर जितु चैप्टर पढ़ी आसिलु अर्थनीतिर मौलिक विषय हे मौलिक विषय पाठटोर प्रश्न उत्तर समूह तोमालोकर ओरलै आहिछो। आहासन भिडिओटो आरम्भ करू। डियर स्टूडेंट्स आमी आजि अर्थनीतिर मौलिक विषय समूह पाठटोर जी प्रश्न उत्तर आछे हे प्रश्न उत्तरखिनिर किछु अंश करिम। प्रथम प्रश्न उत्तर अर्थात अति चमु उत्तर प्रश्न प्रथम प्रश्नते अर्थनीति शब्द तो कौन भाषार पर अना जीतु पाठ पढ़ीसुए अर्थनीति शब्द तो ग्रीक भाषार शब्द पर अना जीतु कौन भाषा बी कैसे आम लिखी ग्रीक भाषा। सेकेंड क्वेश्चन अर्थनीति शब्द तो कौन शब्द पर ला अर्थनीति शब्द तो ग्रीक शब्द इकोनॉमियार पर ला। थर्ड क्वेश्चन अर्थविज्ञानर पितृस्वरूप कौन अर्थविज्ञानर पितृस्वरूप एडम स्मिथ। आम जीतु पाठभित्तिक आलोचन पढ़ीसुए यह विषय गति के एडम स्मिथ अर्थविज्ञानर पितृ। चार नम्बर क्वेश्चन आज अर्थविज्ञानक सम्पदर भित्तिक संज्ञा तो कोने आगे आम पढ़ीसुए अर्थविज्ञान सम्पदर भित्तिक संज्ञा तो आगे एडम स्मिथे। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थविज्ञानर कल्याण भित्तिक संज्ञा तो कोने आगे अर्थविज्ञानर कल्याण भित्तिक संज्ञा तो आगे आल्फ्रेड मार्शेले। नेक्स्ट अर्थविज्ञानर दुष्प्राप्यतार संज्ञा तो कोने आगे अर्थविज्ञानर दुष्प्राप्यतार संज्ञा तो आगे रबिन्से लायनेल रबिन्से। तुम लोग मन करा जो अर्थनीतिर संज्ञाबूर विभिन्नजने विभिन्न धरणे आगे सही क्षेत्र आम चाहिए कने के आगे चाहिए विभिन्न धरणे विभिन्न संज्ञा आगे गति के बस्तु बुझी लब लगे। सात नम्बर क्वेश्चन तो एडम स्मिथे कौन ग्रंथ और केतिया अर्थनीतिर संज्ञा आगे तुम लोग मैं पाठभित्तिक आलोचन कैसिले एडम स्मिथर किताब नाम और सन तो मन में रखा सीटे 1776 प्रकाशित ग्रंथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थविज्ञान संज्ञा तो आगे यार स्पेलिंग मिस्टेक नक दुबार तीन बारक लिखि सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्फ्रेड मार्शेले कौन ग्रंथ और केतिया अर्थनीतिर संज्ञा आगे आल्फ्रेड मार्शेले 1890 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम ग्रंथ अर्थनीतिर संज्ञा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लायनेल रबिन्से कौन ग्रंथ और केतिया अर्थनीतिर संज्ञा आगे लायनेल रबिन्से 1932 एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस संज्ञा तो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एडम स्मिथर संज्ञाटक जक्षर बाणी कोने कैसे यू इम्पर्टेन्ट वेरी इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एडम स्मिथर संज्ञाटक जक्षर बाणी कैसे समाज विज्ञानी कार्लाइल और रास्किने। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षतार ऊपर गुरुत्व कोने अर्थनीतिर संज्ञा आगे दक्षतार ऊपर गुरुत्व सैमुएल्स और नॉडहार्से अर्थनीतिर संज्ञा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोनो बस्तुर मानुहर अभाव पूरण करिबपरा क्षमता तो कि बुली कोआ हय कोनो बस्तुए मानुहर अभाव पूरण करिबपरा क्षमता तो कोआ हय उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादनर उत्पादित आहिला कि बुली कोआ हय उत्पादनर उत्पादित आहिला मूलधन बुली कोआ हय। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्रो आरो माइक्रो अर्थात माइक्रो आरो मैक्रो ए शब्द दुटा कोन शब्दर पर लवा हयसे माइक्रो जितु शब्द हे शब्द आरो मैक्रो ए दुटा शब्दर क्षुद्र और बृहत् बुझा तुम लोग जाना ये माइक्रो शब्द तो लैसे माइक्रोसर पर और मैक्रो शब्द तो लैसे मैक्रोजर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडम स्मिथर अर्थविज्ञान संज्ञा तो लिखा एडम स्मिथर अर्थविज्ञान संज्ञा तो आगे सम्पदर ऊपर भित्ति गति के अर्थविज्ञान संज्ञा तो अर्थविज्ञान सम्पदर विज्ञान मन में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्शेलर अर्थविज्ञान संज्ञा तो लिखा यूर संज्ञा तुम लोग सलनी ना यूर तुम लोग मुखस्त लगे मार्शेलर अर्थविज्ञान संज्ञा तो हल मानव जातिर दैनन्दिन जीवन कार्यवाली अध्ययन अर्थनीति इ व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यवाली से अंश तो अध्ययन कर जी अंश पार्थिव कल्याण साधन और इार व्यवहार सहित घनिष्ठभवे जड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन रबिन्सर अर्थविज्ञान संज्ञा तो लिखा लायनेल रबिन्से अर्थविज्ञान संज्ञा तो आगे जी विज्ञान मानुर आचरण मानुर अपरिसीम आशा और इार विपरीते विकल्प भावे व्यवहार करलिया सीमित सम्पदर मजर सम्पर्क हिसाब अध्ययन करे अर्थनीति।
নেক্সট কুৱেশ্যন, স্যামুয়েলছন আৰু নট হাৰ্ছৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাটো কি? স্যামুয়েলছ আৰু অৰ্থবিজ্ঞানে দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিলে। সংজ্ঞাটো হৈছে দুষ্প্ৰাপ্যতাৰ বাস্তৱিকতা স্বীকাৰ কৰি লৈ সম্পদৰাজিৰ সৰ্বোত্তম দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ বাবে সমাজ গঠন কৰাটোৱে হ'ল অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰবিনছৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাটোৰ মৌলিক ধাৰণাকেইটা কি কি? আমি পঢ়িছিলোঁ যে ৰবিনছৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাটো তিনিটা ধাৰণা সোমাই আছিলে। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে মানুহৰ অভাৱ অসীম, দ্বিতীয়টো হৈছে অভাৱ পূৰণৰ উপায় আৰু আহিলাসমূহ সীমিত, তৃতীয়টো হৈছে সীমিত সম্পদসমূহৰ বিকল্প ব্যৱহাৰযোগ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান কাক বোলে? ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান কাক বোলে? আমি পাইছিলোঁ এজন ব্যক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি, মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা। নেক্সটটো সমষ্টিবাদী, এটা সমষ্টিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো অৰ্থনীতি গঢ়ি উঠে সেইটো সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। এইটো ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা। নেক্সট সুধিছে আৰ্থিক বস্তু আৰু অনাৰ্থিক বস্তুৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? আৰ্থিক বস্তুৰ আৰু অনাৰ্থিক বস্তুৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে পাঠত বুজাই দিছিলোঁ, গতিকে তোমালোকক এইখিনিত মই ভিডিঅ'টো পজ কৰি বস্তুখিনি লিখি ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় আয় কাক বোলে? একেবাৰে সহজ, ৰাষ্ট্ৰীয় আয় হৈছে যে এখন দেশে জনসাধাৰণে কিমান পৰিমাণে উৎপাদন কৰিছে সেইটো, গতিকে যেনেকৈ মই লিখি দিছোঁ তেনেকৈ লিখি ল'বা। নেক্সটটো হৈছে জনমূৰি আয়ৰ সূত্ৰটো লিখা, জনমূৰি আয়ৰ সূত্ৰটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সূত্ৰটো জনমূৰি আয় কাক বোলে? জনমূৰি আয়ৰ সূত্ৰটো, জনমূৰি আয় বুলি কোৱা বুলি ক'বলৈ হ'লে এখন দেশৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ক দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ সংখ্যাৰে সৈতে ভাগ কৰিব লাগিব। বুজি পাইছেনে? এখন দেশৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ক দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে, জনসাধাৰণৰ সংখ্যাৰ সৈতে ভাগ কৰিব লাগিব। এতিয়া দেশখনৰ জনসংখ্যা সেইটো লিখিব লাগিছিলে, শব্দটো ৰৈ গৈছে, জনসংখ্যাৰে ভাগ কৰিলে যিটো পোৱা যায় তাক জনমূৰি আয় বুলি কোৱা হয়। এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিলোঁ, তোমালোকে আশা কৰোঁ বুজি পাইছা আৰু বহীত ভালকৈ লিখি ৰাখিবা। অহা কাইলৈ দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক দিম। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিবা, বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে, আৰু আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।